मुरादाबाद प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन के तत्वावधान में सिक्योरिटी एजेंसियों के स्वामियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि अवैध रूप से चल रही प्राइवेट सिक्योरिटी के संबंध में मीटिंग वह लोग पहले ही कर चुके हैं, परंतु ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की बंदूकें जमा न कराई जाएं, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी नहीं है और पुलिस ने अभी से गनमैन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ज्ञापन के माध्यम से सिक्योरिटी एजेंसियों के स्वामियों ने मांग की है कि जो अवैध रूप से सिक्योरिटी कंपनी चल रही है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उनके लाइसेंस न जमा कराने की अनुमति दी जाए। किस संस्था से आप आए हैं? ये मुरादाबाद प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से। आज आपने जो ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया, क्या मांग? वो एसएसपी साहब को दिया है, और एक तो 100 सिक्योरिटी से ज्यादा मुरादाबाद में चल रही है जो पसारा का लाइसेंस नहीं है, अनलीगल है वो। और 16-9 में मीटिंग हुई थी और आश्वासन भी दिया एसएसपी साहब ने कि ये जो है जो अवैध चल रही है इन्हें बंद कराया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना ऐसी है नहीं जो कोई भी सिक्योरिटी वाला के साथ कानूनी कार्रवाई हुई हो, और धड़ल्ले से खूब चल रही है। आज हर एक एक व्यक्ति के नाम 3-3 सिक्योरिटियाँ चल रही हैं जिन पर पसारा का लाइसेंस नहीं है। और दूसरा समस्या ये थी कि हर इलेक्शन में जब भी इलेक्शन आता है तो कुछ थाने वाले जो है इंस्पेक्टर वो मजिस्ट्रेट की मोहर मांगते हैं कि नहीं हमें तो पक्की परमिशन चाहिए, जो हमारी ऑथराइज सिक्योरिटी है लखनऊ से तो हमें इतनी छूट मिलनी चाहिए कि हमारे साइन और मोहर से और जिस संस्था में गन जमा है उसकी मोहर और साइन वहाँ के और गन फैक्ट्री के अंदर ही पारिश में ही जमा रहती है अलमारी के अंदर, आवागमन तो रहता नहीं है उसका, तो वो उतनी छूट मिलनी चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी कंपनी के जो ऑथराइज हैं रजिस्टर्ड हैं पसारा से उनके लेटर हेड पर लिख के और वो बंदूक जो है जमा ना करने की मतलब परमिशन मिलनी चाहिए। तो ये आचार संहिता को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया आचार संहिता। क्या कहा एसएसपी साहब? एसएसपी साहब ने कहा कि ठीक है आईसन में एक लिस्ट हमें दे दो और एक जो भी थाने हैं तुम्हारे उन थानों में दे दो और उसकी एक कॉपी हमें दे दो, तुम लोगों की जो है गन जमा नहीं होगी। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं चौहान सिक्योरिटी से हूँ और हमारी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के नाम से और रजिस्टर्ड भी है कंपनी। प्लस हमारा हर जो भी इलेक्शन आते हैं आचार संहिता लगती है, उस कंडीशन में हमारा जो गनमैन चल रहे हैं संस्था में वहाँ बंदूक जमा ना कराने के लिए हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारी सिक्योरिटी के लेटर पे वहाँ जहाँ बंदा काम कर रहा है हमारा गनमैन काम कर रहा है उनके लेटर पे ये परमिशन दी जाए कि बंदूक जमा ना की जाए। वहाँ में बहुत दिक्कत होती है, कहीं संस्था में काम कर रहा है गनमैन उसकी बंदूक जमा हो जाती है तो वो सुरक्षा नहीं हो पाती है, इस कारणवश हमने एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है। एसएसपी साहब ने बोल दिया है कि हम लोग इस बारे में देखते हैं, और प्लस ये भी आश्वासन दिया है कि आप लोग जहाँ जहाँ गनमैन आपके काम कर रहे हैं किस किस थाने एरिया में आते हैं उसकी सूचना बना के एक हमें दीजिए और एक अपने हलके के थाने में दीजिए। क्या